स्थित लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां नए साल के अवसर पर अयोध्या से आए साधु संत व मौलानाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को फूल माला पहनाकर बधाइयां दी। आशीर्वाद का महाकुंभ लेकर अखिलेश यादव के पास पहुंचे अयोध्या के संतों ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया व 2022 चुनाव में उनकी पार्टी की विजय होने की बात कही। महत्वपूर्ण सम्मानित लोग जो एक साथ नहीं चलते कई बार, लेकिन आज एक साथ मिलने का मौका मिला है, यही हमारे समाज की पहचान है, यही हमारा समाज है। और ये समाज जो हमारा आज यहां दिखाई दे रहा है, वो एक दिन का बना हुआ नहीं है, हजारों साल हम ऐसे ही रहे हैं। कुछ भी रहा होगा, लेकिन हमने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बचा के रखी है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे देश की है। कुछ भी रहा होगा, लेकिन हमने अपना धर्म, अपनी चीजें, अपनी परंपराएं, अपना कल्चर बचा के रखा है, और इसीलिए हमारे देश को दुनिया में सबसे अलग देश माना जाता है। और इसीलिए हमारे देश के लिए कहा जाता है कि इतनी यूनिटी किसी समाज और देश में नहीं रहती जिस देश में इतनी डाइवर्सिटी रही हो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अगर कहीं एग्जांपल है तो हमारा भारत है एग्जांपल, और हमारा अयोध्या एग्जांपल है। और कुछ इतनी कठिन बातें हुई हैं जिसके बाद बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सबसे पहले अयोध्या से आए हुए सभी हमारे गुरुजन, सभी हमारे धर्मों के प्रतिष्ठित सम्मानित मानुभव जो आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नव वर्ष में जहां आज हम सब मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खुशी के साथ साथ भविष्य हमारा आपका कैसा हो, उसके लिए जो भी संकल्प लिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अभी क्योंकि हमारे साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाली बात कह दी, ये बहुत बड़ी लड़ाई की बात है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सबका आशीर्वाद रहा, इसी तरह से सहयोग बना रहा, तो आने वाले समय में शुरुआत 2022 में उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन ये सब? सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि आपको लगता है गवर्नमेंट इतने अच्छे इंतजाम कर रही है कि सब कुछ बूथ हो जाए, या फिर क्या होना चाहिए? ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने, महंगाई इसी के सामने, बेरोजगारी इसी से, अन्याय छिपाएंगे अपना। क्या नौकरी दी मुख्यमंत्री का, कहिए तो मैं प्ले करा दूं। अभी मैं चाहूंगा कि वो उनका स्टेटमेंट उतना ही प्ले करो जितने नौकरी और मेट्रो के लिए कहा उन्होंने, कहा 4 लाख 3 लाख नौकरी, फिर 15 लाख, फिर कहा 1.5 करोड़ नौकरी। पवन पांडे जानते नहीं 1.5 करोड़ का उन्होंने रोजगार? मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये धर्मगुरु हमें अयोध्या फैजाबाद में मदद करेंगे, दूसरे जिले के धर्मगुरु को दूसरी जगह हम संपर्क करेंगे, और इनसे हम सहयोग मांगेंगे, उनसे भी हमें सहयोग। आप जाके देखिए कितनी मंडियां बनी थी, मंडियां सब या बेच रही हैं ये लोग या काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये था
कि इनकी प्लानिंग में था कि मंडियों को खत्म करना है। चार साल से जो मंडियों में काम चल रहा था उन मंडियों को नहीं काम पूरा किया उनका। फैजाबाद में मंडी बननी है नई, मान लीजिए आजमगढ़ में नई मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में नई मंडी बननी थी, गाजीपुर में नई मंडी बननी थी, झांसी में जो मंडी बनवाई समाजवादी ने, जालौन में जो बड़ी मंडी बनवाई, आपके बांदा में बनी नई मंडी, उन मंडियों को काम पूरा नहीं किया और सुविधाएं भी नहीं दी जिससे किसान वहां जा सके। इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। और जो लोग आटा खाते होंगे वो जानते होंगे पैकेज आटा की, और जितने भी लोग रहते हैं भगवान श्री राम जी की धरती पे उन पे कोई टैक्स नहीं लगे। अगर ये सरकार नहीं कर सकती है तो समाजवादी पार्टी करके दिखाएगी। के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि कम जान समय की जानकारी के बाद आपको बुलाना पड़ा। अयोध्या फैजाबाद से हमारे जितने भी गुरुजन आए मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, और जिस तरीके से आज आशीर्वाद दिया है इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि बहुत ताकतवर लोगों से लड़ना है। बहुत ऐसे लोग हैं कि कब बदल जाए उनसे लड़ना है, इसलिए आपका आशीर्वाद रहेगा तो लड़ाई समाजवादी पार्टी की। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट।